रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम लेसन 6 स्टार्ट करेंगे, टेस्ट एंड एग्जाम्स। इस लेसन में हम देखेंगे कि टेस्ट क्यों ज़रूरी है, वो एक स्टूडेंट की एबिलिटी को किस तरह बढ़ाते हैं, बच्चों में एग्जाम्स का खौफ होता है या एग्जाम्स के लिए वो किस तरह बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दी हुई हैं। तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट कैन रियली हेल्प टू नो वेयर यू आर एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव। टेस्ट ये जानने में वाकई मदद कर सकते हैं कि आप पढ़ाई में कहाँ हैं और बेहतरी लाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। इम्प्रूव, बेहतरी। दे लेट यू नो इफ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग दैट यू हैव बीन लर्निंग एंड दे ऑल्सो हेल्प द टीचर टू प्लान व्हाट मोर इज नीडेड टू बी डन। इनसे आपको पता चलता है कि आपने वो चीज़ समझ ली है जिसे आप सीख रहे थे। Understood, समझ ली है। You have been learning, जो आप सीख रहे थे। और इनसे उस्ताद को भी ये मनसूबा बंदी करने में मदद मिलती है कि मजीद क्या करने की जरूरत है। Plan, needed, जरूरत है, to be done और करने की। Exams can be really stressful because they are something that you need to pass if you want to move to the next level. इम्तिहान वाकई ज़हनी दबाव का बायस बन सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको पास करना पड़ता है अगर आप अगले दर्जे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। स्ट्रेसफुल, ज़हनी दबाव। नेक्स्ट लेवल, अगला दर्जा। एग्जाम्स आर यूजुअली मोर फॉर्मल। इम्तिहानात आमतौर पर रस्मी नौयत के होते हैं, रस्मी नौयत, फॉर्मल रस्मी नौयत के होते हैं। यू मे टेक एग्जाम इन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एट्सेट्रा, टू सी इफ यू हैव रीच्ड दैट लेवल एंड कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आप मुख्तलिफ मज़ामीन मसलन रियाजी, साइंस, अंग्रेजी वगैरह में इम्तिहान दे सकते हैं ये देखने के लिए कि आप उस दर्जे तक पहुँच गए हैं और अगले दर्जे की जानब बढ़ सकते हैं। वैरायटी, नौयत, इकसाम, सब्जेक्ट, मज़ामीन, नेक्स्ट लेवल, अगला दर्जा, यूजुअली आमतौर पर। टेस्ट एंड एग्जाम्स कैन बी रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल और इवन ऑल द थ्री। टेस्ट और इम्तहान तहरीरी, जबानी और अमली या तीनों तरह के भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकल होता है अमली एग्जाम्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्स मीन दैट यू कैन शो व्हाट यू नो। अमली इम्तहानात का मतलब है कि आप वो दिखा सकते हैं जो आप जानते हैं। इन ओरल एग्जाम्स यू हैव टू गिव द आंसर्स वर्बली। ओरल एग्जाम्स में, जबानी इम्तहानात में आपको जवाब जबानी देने होते हैं। एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्जाम्स। टेस्ट और इम्तहानात की वजह से हर कोई घबराहट महसूस करता है। सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड दैट दे डू बैडली इवन दो दे हैव वर्कड रियली हार्ड। कुछ लोग इस कदर जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं कि वो इस तरह टेस्ट देते हैं जो बुरा होता है, अगरचे उन्होंने वाकई सख्त मेहनत की होती है। डू बैडली, बुरी तरह देते हैं, रियली हार्ड, जो उन्होंने असल में मेहनत की होती है। स्ट्रेस, जहनी दबाव। स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवर देम एंड दे कांट डू देयर बेस्ट। ज़हनी दबाव उन पर गालिब आ जाता है और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का, बेहतर काम का मुजाहरा नहीं कर सकते। प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट इन एग्जाम्स, टेस्ट और इम्तिहान के लिए तैयारी करना। प्लान एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी, लेयर एंड फिजिकल एक्टिविटी टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रखने के लिए, तोज़न रखने के लिए अपनी स्टडी, मुतालिया, फुर्सत और जिस्मानी सरगर्मी के लिए मनसूबाबंदी कीजिए और एक टाइम टेबल, निज़ामुल औक़ात बनाइए। Get into the habit of doing homework properly and in time. Homework अच्छे तरीके से और वक्त पर करने की आदत बनाइए। Ask the teacher if you don't understand something. अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो उस्ताद से पूछिए। Ask the teacher how to improve your work. उस्ताद से पूछिए कि आप अपना काम किस तरह बेहतर बना सकते हैं। Have a tidy study area at home. घर पर एक साफ सुथरा पढ़ाई के लिए जगह मुकर्रर करें। Where you haven't got heaps of Stuff around to disturb you. जहां आपकी त्वचा हटाने के लिए इर्द गिर्द चीजों के ढेर ना पड़े हों। Study with someone can be helpful.
बट ओनली इफ यू स्टिक टू द टास्क। किसी के साथ मिलकर पढ़ना मददगार हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब अपनी त्वचा अपने काम पर रखें, यानी कि आप बातों में दूसरी चीजों में डिस्टर्ब ना हो। वर्किंग अलोन इज बेस्ट, अकेले काम करना ज्यादा बेहतर होता है। यू विल हैव टू डू द टेस्ट और एग्जाम ऑन योर ओन, आपको इम्तिहान और एग्जाम्स अकेले ही करना होते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने इसकी फर्स्ट हाफ की रीडिंग की है, अब आप इसको पढ़ें। इसमें से डिक्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद कीजिए, उसके बाद नीचे दिए हुए कार्ड को फिल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।